एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड सीरीज देखी जिसको देखकर लगा कि यार ये क्या बवाल बना के रख दिया, मतलब कि इसमें हर चीज क्रॉस कर दी गई, यानी कि हर लिमिट को क्रॉस कर दिया गया। तो आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं ट्विलाइट ऑफ गॉड्स एनिमेशन सीरीज, एनिमेटेड सीरीज के बारे में, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। इसके अंदर 8 एपिसोड है और इसको डायरेक्ट किया है जैक स्नाइडर ने। तो यहां पर जैक स्नाइडर ने पूरी भरपूर पावर का यूज किया जो एनिमेशन के साथ मिलती है, यानी जो क्रिएटिव पावर एनिमेशन के साथ मिलती है उसका अच्छे से यूटिलाइज किया गया। जो चीजें लाइव एक्शन सीरीज के अंदर पॉसिबल नहीं होती या मूवीज के अंदर पॉसिबल नहीं होती, वो एनिमेशन के अंदर अच्छे से उनका यूज किया जा सकता है। मतलब उनके अंदर बहुत व्यापक चीजें मिल जाती हैं अपनी कला को दिखाने का। क्या जब ये आप सीरीज देखोगे तब समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब जिनको एनिमेशन के बारे में या एनिमेटेड सीरीज के बारे में नहीं पता है, वो उनको कहते हैं कि यार देखो ये तो कार्टून है, बस वो इसी चीज के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू करते हैं। जिनको असली कंटेंट की पहचान नहीं होती, भाई कंटेंट तो किसी रूप में मिल सकता है ना, कि आपको एंटरटेनमेंट से मतलब होती है, कहानी से मतलब होती है, वो सब चीजें तो हैं इस सीरीज के अंदर। आएंगे कि क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, किन क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या बहुत अच्छी चीजें हैं जो हमें ये सीरीज देखनी चाहिए। फिलहाल हम बात करते हैं इस सीरीज की कहानी क्या है। तो अगर आपने इस सीरीज का ट्रेलर देखा है तो आप इसकी कहानी को ज्यादा मतलब पता नहीं लगा पाओगे कि क्या होने वाली है, क्योंकि ट्रेलर के अंदर उतनी चीजों को नहीं दिखाया गया। इवन मैं भी थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा, ज्यादा चीजें मैं नहीं बताऊंगा, फिर वही बात आ जाती है कि स्पॉइलर आ गया, आपका इंटरेस्ट खराब हो गया, और मैं नहीं चाहता कि यार आपका इंटरेस्ट खराब हो। क्या तो एक कम्युनिटी है जायंट कम्युनिटी करके है, जिसमें मतलब बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जायंट से ही नाम समझ जाओ। तो इसमें जायंट कम्युनिटी के अंदर एक लड़की है जिसका नाम सीग्रिट है, वो अपनी कम्युनिटी से अलग किसी एक इंसान से शादी करना चाहती है या फिर कर रही होती है, और उस शादी समारोह के अंदर थोर, यानी कि जो आपको पता है कि देवता एसगार्ड का जो प्रिंस महाराजा राजा जो भी आप जिसको समझ लो, वो थोर वहां पर आ जाता है और उस शादी को एकदम बर्बाद कर देता है, और जो सिगरेट होता है उसकी माता पिता को या फिर कहूं कि इस पूरी कम्युनिटी को खत्म कर देता है। केवल सिगरेट बच जाती है और उसका पति बच जाता है या फिर होने वाला पति बच जाता है। तो सिगरेट कसम खाती है कि वो एसगार्ड के खिलाफ जंग छेड़ेगी और थोर को वो मार देगी। अब वो कैसे अपनी सेना बनाती है, कैसे थोर का भाई लोक सिगरेट की हेल्प करता है, और लोकी का एक मकसद भी है, छुपा हुआ मकसद, वो क्या है, और भी काफी सारे टर्न एंड ट्विस्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वो वही बात आ गई कि मैं आपको वो सारी चीजें खुलकर तो नहीं बता सकता, वो क्योंकि बताया तो फिर सीरीज में क्या ही देखोगे और मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में गालियां सुनने को मिल जाएंगी। वो क्या चीजें हैं, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए तो आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। तो ये हो गई इस कहानी की चर्चा, अब बात करते हैं इसमें क्या अच्छा है। जो सबसे बढ़िया चीज मुझे इस सीरीज के अंदर लगी वो इसकी स्टोरी है। बहुत बढ़िया डेवलप किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से उस चीजों को लिखा गया है। इसके अंदर पुरानी कथाओं का, ऑब्वियसली भारत की पुरानी कथाएं नहीं, बाहर की जहां की ये सीरीज है, मतलब थोर हो गया, एसगार्ड हो गया, उनके बारे में वहां की जो पुरानी कथाएं हैं उनका यूज करते हुए इस सीरीज के अंदर कहानी को लिखा गया, जो बहुत अच्छी है, देखकर काफी ज्यादा मजा आ जाता है। और इसके अंदर जो देवी देवताएं हैं, देवी देवता जो भी हैं, तो उनका को एक तरीके से एक नेगेटिव शेड में दिखाया गया है, मतलब एक गलत तरीके से वो कैसे अत्याचार कर रहे हैं, इंसानों को मजबूर करते हैं कि उनको पूजा जाए, मतलब देवताओं को पूजा जाए, और उनके लिए वो कोई भी काम नहीं करते हैं, उनको उनका एक क्रूर रूप इसके अंदर दिखाया गया, मतलब एक डिफरेंट एंगल हमें देखने को मिलता है। और इंसान यहां पर देवताओं के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। इस सीरीज के अंदर मेन फोकस देवताओं के ऊपर ना करके इंसानों के ऊपर केंद्रित किया गया, जो देखकर काफी अच्छा लगता है कि हाँ यार अब वो देवताओं के खिलाफ जंग छेड़ेंगे, अब क्या होगा, आम इंसान जो है वो उनसे ज्यादा ताकतवर है, देवी देवता जो है काफी ज्यादा पावरफुल है, अब यहाँ पर ये कैसे इनसे जीतेंगे, तो एक ये चीज हमें देखने को मिलती है, तो काफी ज्यादा मजा आता है। और थोर का एक नेगेटिव करेक्टर या थोर को जिस तरीके से एक उसका करेक्टर डेवलप किया गया है वो काफी ज्यादा बढ़िया लगा। एक मतलब उस करेक्टर को देखोगे डेफिनेटली आपको नफरत हो जाएगी, बहुत ज्यादा भयानक है। और इस सीरीज में जैसे वॉयलेंस काफी ज्यादा है, जो डिमांड है इस सीरीज की, ऑब्वियसली जैसी चीजें हमें देखने को मिल रही है तो वॉयलेंस तो भर भर के है, जो इसका इंटरेस्ट लेवल और ज्यादा बढ़ा देते हैं। स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी हो गई, वॉयलेंस काफी ज्यादा अच्छा हो गया, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। इसके अलावा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है सीरीज का वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है। एनिमेशन भी सीरीज की काफी बढ़िया है, मतलब ऐसा नहीं कहोगे इसके अंदर 3D चाहिए थी, जिस हिसाब से इसकी एनिमेशन है या फिर जैसे स्टोरी लाइन चली है बहुत बढ़िया मुझे लगा। एक कलरफुल जो एनिमेशन है इसके अंदर वो काफी अच्छी है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो थोर का जो करेक्टर है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो जो करेक्टर डेवलपमेंट इसके अंदर स्पेशली थोर की ही बात कर रहा हूं, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। बहुत एक उसकी जो सोच हमें बताई जाती है, जैसे आप एपिसोड के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ते
चलेंगे, तो वो ऐसा क्यों है, क्यों इतना वो भयानक है, क्यों इतना वो चिड़चिड़ा है, वो सब चीजें देखने को मिलती है। उसकी पावर जो हमें देखने को मिलती है वो भाई साहब एकदम नेक्स्ट लेवल है, आपको मजा आ जाएगा। मतलब देखो यार, सारी चीजें तो मैं खुलकर नहीं बता सकता, आप एक बार इसका फर्स्ट एपिसोड ही ट्राई कर लेना, बाकी ये सीरीज अपने आप काम कर देगी कि कितनी ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसके अंदर कुछ सरप्राइज हैं, टर्न एंड ट्विस्ट हैं, लोकी का जो करेक्टर है उसके कुछ जो छुपे हुए राज हैं, उसकी कुछ खुद की जो प्लानिंग है, वो सब चीजें हमारे सामने जब धीरे धीरे आती हैं वो भी इस सीरीज में इंटरेस्ट बढ़ाने का काम करती हैं। तो ये हो गई इस सीरीज की अच्छी अच्छी बातें, अब बात करते हैं इस सीरीज के अंदर कमियां क्या। देखो जो मुझे कमी महसूस हुई वो कैरेक्टर डेवलपमेंट के अंदर महसूस हुई। जैसे कि सिगरेट का कैरेक्टर है, वो आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये बदला लेना चाह रही है या फिर इसका खुद का कोई दिमाग यहाँ पर यूज हो रहा है। एक तरीके से वो कठपुतली तरीके से नजर आती है कि भाई यहाँ वो किसी के इशारों पे चल रही है, उसका खुद का कोई दिमाग नहीं लग रहा। वो चीज देखकर मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुई, मतलब वहां पर चीजों को अच्छे से चीज दिखानी चाहिए थी। इसके अलावा देखो इसके अंदर 8 एपिसोड है और उन 8 एपिसोड में मैं कह सकता हूँ कि 2 एपिसोड ऐसे रखे गए हैं जिनकी कोई भी जरूरत नहीं थी। रबड़ के तरीके से इस सीरीज को बढ़ाने की, इसकी कहानी बढ़ाने की ऑब्वियसली कोशिश की गई है वहां पर, जबकि कहानी मुझे लगता है कि यार देखो ऐसा नहीं कि वो 6 एपिसोड में खत्म हो जाती, बल्कि आप इस सीरीज को देखकर हटोगे तो ऐसा फील होगा कि यार यहां पर डेफिनेटली हमें कुछ और एपिसोड देखने चाहिए थे। तो जहां पर ये 2 आप बेकार एपिसोड ऐसे दिखा रहे हो जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, तो वहां पर आप फोकस कर सकते थे कहानी को बेटर डेवलपमेंट के अंदर, कैरेक्टर की बेटर डेवलपमेंट के अंदर, वो सब चीजें करते तो ज्यादा अच्छा होता। इसके अलावा सिगरेट का कैरेक्टर हो गया या फिर बाकी जो कैरेक्टर हो गए, थोर का कैरेक्टर अगर मैं हटा दूं, तो वहां पर आप कनेक्शन फील नहीं करते उनसे कि यार हाँ हम इस करेक्टर से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर अगर इसको कुछ हो गया तो हमें बुरा लगता है, ऐसा फील कहीं पर भी नहीं होता। ऑब्वियसली शायद वो जो इसकी स्पीड रखी गई है सीरीज की उस वजह से ऐसा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि यार वहां पर फोकस किया जाना चाहिए था। और इसकी एंडिंग की बात को देखो, एंडिंग की फाइट जो वहां पर देखने को मिलती है वो बढ़िया, लेकिन एक लास्ट में जो एंडिंग हो रही होती है वो खुल के तो मैं नहीं बोल सकता, वो मुझे उतनी खास पसंद नहीं आई। शायद इसलिए मेकर्स उसकी सेकंड सीजन की प्लानिंग कर रहे हो तो इसलिए उन्होंने वो एंडिंग दिखाई, लेकिन वो उसके ऊपर थोड़ा और फोकस होना चाहिए था, और बढ़िया उस एंडिंग को दिखा सकते थे, लेकिन वो लास्ट वाली एंडिंग थोड़ी खटकती है दिमाग में। अब देखो शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजें मुझे नहीं बोलनी पड़ रही हैं, वो बोला तो यार फिर मुझे ही गालियां सुनने को मिल जाएंगी। ये तमाम बातें आपको तब समझ में आएंगी जब आप ये सीरीज देखोगे, उसकी कहानी के बारे में या एंडिंग के बारे में, जो भी क्लाइमेक्स के अंदर आते हैं वो सब चीजें आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा। तो ये हो गई इस सीरीज की कमियां। ओवरऑल अगर बात करूं तो एक लेस कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ ये सीरीज आती है, एक बढ़िया कहानी के साथ, फुल ऑन न्यूडिटी है, मतलब बहुत ज्यादा मतलब नंगापन दिखाया गया है सीरीज के अंदर, वॉयलेंस भर भर के इस सीरीज में, टर्न एंड ट्विस्ट है इस सीरीज के अंदर, फाइटिंग बहुत ज्यादा है। मिस हो गया, वेटिंग हो गया, बात तो एक ही हो गई। तो मेरी तरफ से तो देखो इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 8.5 out of 10। बाकी हिंदी डबिंग की बात करूं तो मुझे काफी ज्यादा अच्छी हिंदी डबिंग लगी, क्योंकि इसके अंदर हम कंपैरिजन कर सकते हैं ना, इंग्लिश और हिंदी डबिंग के बीच में आपके सामने ऑप्शन ही होते हैं, तो हिंदी डबिंग काफी बढ़िया है। तो अगर आप लोगों ने सीरीज देखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो 1 time आप इसको, मतलब एक बार फर्स्ट एपिसोड तो इसका देखिए, डेफिनेटली वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, उसके बाद तो सीरीज अपना काम खुद कर ही लेगी। बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, वैसे मेरा कहना तो कोई नहीं मानता है बच्चों के लिए नहीं है, तो क्या पता कोई बच्चा देख भी रहा हो। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।